तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं घर जाने वाला हूँ गाइस। बहुत दिनों बाद मैं घर जाने वाला हूँ, तो आइए आपको जर्नी दिखाता हूँ। मैंने अपना बैगेज पैक कर लिया है, उसके बाद मैंने अपने घड़ी को भी लगा लिया है क्योंकि सारी चीज़ टाइम पे हो। तो सामने रैपिडो वाले भैया भी खड़े थे, मैंने उनसे बोला कि भैया मेरे पास कैश तो है नहीं, आप एक काम करो किसी ना ATM पे रोक लो ताकि मैं अपना कैश भी निकाल लूँ और आपको भी पैसे दे दूँ। तो उन्होंने जैसे ही ATM देखा मुझे रोक लिया और मैंने ATM से कुछ पैसे विड्रॉल किए। ये देखो मेरे पास पैसे आए, ये टपाक आ जा। तो ये मेरे पास पैसे है। उसके बाद मैंने ऑटो में बैठा और उसके बाद मैं नई दिल्ली की तरफ गया क्योंकि मेरा घर नई दिल्ली से वाराणसी के लिए पूरा जर्नी था। सो भैया को बीच में रास्ते में कुछ ट्रैफिक मिला। बाकी यार दिल्ली में देखो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सो मैं ट्रैफिक को जैसे तैसे भैया बोला, भैया मुझे कुछ भी करके मुझे आप टाइम से पहुँचा देना ताकि मेरा ट्रेन जो है ना वो मिस ना हो। भैया ने भी अपना 3-5 चेक किया और बाकी मुझे नई दिल्ली तक पहुँचा दिया। तो ये रहा नई दिल्ली का नज़ारा, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर। और नई दिल्ली का काफ़ी प्लेटफॉर्म बड़ा है और मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे जाना था क्योंकि वो नई दिल्ली से बनारस तक जाती है। सो मैंने जैसे तैसे वेट किया क्योंकि ट्रेन छूटने में 15-20 मिनट बाकी थे। मैं वेट किया और जैसे ट्रेन निकलने वाली थी मैंने देखा पीछे सलमान खान तेरे नाम की स्टाइल में फाइट कर रहे थे। मे बी ये मुझे नहीं पता पर हो सकता है सलमान खान ही रहे हों। उसके बाद मैं ट्रेन में एंट्री लिया और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ TT का कुछ झमेला जैसा भी हो गया था। ट्रेन तो काफ़ी साफ़ सुथरी थी लेकिन वो देखो TT शायद टिकट का कुछ मसला था। आपको मैं प्रॉपर डिटेल में बाद में बताऊंगा कि क्या होता है ब्लैक में, कुछ पैसे वैसे का हेर फेर भी होता है, वो मैं इतना ब्रीफ में बताना नहीं चाहता हूँ आपको, बट आप देख सकते हो। बाकी मैं रात में प्रॉपर जर्नी किया क्योंकि मेरा सीट रिजर्व था तो मैं अपने सीट पर लेट के जर्नी किया। यहाँ पर कुछ लोग बात भी कर रहे थे कि उस आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यार देखो जो होना है वही होगा, चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। और सुबह उठ के मैं जब देखा तो ट्रेन पूरी खाली थी और मुझे समझ में आ गया कि यार मैं ही लेट हूँ, बाकी सब जग के घर निकल चुके हैं। तो मैं भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े को अपने बैग को पैक करा और उसके बाद मैंने एक फ़ोटो में सेल्फी लिया और उसके बाद मैं निकल गया बनारस के लिए। और ये रहा मेरा बनारस का रूट, आप देख सकते हो काफ़ी सुनहरा और काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे बहुत दिन बाद। उसके बाद मैंने एक दोस्त को फ़ोन करा हुआ था तो वो मुझे लेने आया और मैं बनारस जाके अपने दोस्त के साथ जर्नी सफ़र किया। और वो दोस्त मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया था लेकिन रास्ते में हम लोगों ने पूरी और कचौरी भी खाई थी, ये बनारस आने के बाद काफ़ी फेवरेट था। सो नाश्ता करने के बाद उसने मुझे अपने घर पे छोड़ दिया और ये रही मेरी आज की ब्लॉग पूरी। मैं घर पहुंच गया था अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।